नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण श्रीवास्तव और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल फिल्मी फिल्मोनिया पर। दोस्तों, नया साल शुरू हो गया, 2018 आ गया। 2017 में आप लोग मुझसे जुड़े, परिवार बनता गया। आज 8000 के करीब परिवार में लोग हैं, तो ये कारवां और बढ़ेगा मुझे लगता है, और बढ़ना ही चाहिए। तो 2017 में काफ़ी बातें हो गई एक्टिंग के बारे में, कि जो लोग एक्टिंग में आना चाहते हैं क्या करना होगा, कैसे करना होगा। अब बातें करते हैं बाकी जो काम है, जो इस अब बातें करते हैं बाकी वो काम जो इस इंडस्ट्री में होते हैं। आज मैं एक ऐसे इंसान से आपको मिलवाना चाहता हूं जिसका हमारे इंडस्ट्री में बहुत ही अहम किरदार वो निभाते हैं। आपने देखे होंगे बहुत बड़े बड़े सेट लगते हैं, और मतलब मोस्टली सेट पे शूटिंग होती है। एक आर्ट डायरेक्टर कुछ भी बना सकता है, वो मुंबई में मनाली बना देगा, वो मुंबई में हॉलीवुड का मतलब कुछ भी, मतलब मुंबई में आप स्विट्ज़रलैंड दिखा देगा, बर्फ़ नहीं होगी तो बर्फ़ भी पैदा कर देगा। इनफैक्ट उनका बहुत बड़ा अहम रोल होता है हमारे काम में। और जिस इंसान से मैं मिलवाना चाहता हूँ वो एज डायरेक्टर, एज आर्ट डायरेक्टर अब एक फिल्म कर रहे हैं। खुद ही पूछ लेते हैं यार उनसे कि वो क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या उनसे जानते हैं, खुल के मार्केट में सामने आ जाएगी सारी बातें। तो मिलवाते हैं तर्पण श्रीवास्तव से। आइए तर्पण श्रीवास्तव साहब। हाँ, सही पकड़ा आपने, ये है तर्पण श्रीवास्तव और ये मेरे छोटे भ्राता हैं, मेरे छोटे भाई। तो फिल्मी फिल्मोनिया में आपका स्वागत है। थैंक यू। छोटे भाई हैं मेरे, लेकिन इन्होंने अपनी जर्नी जो है वो खुद शुरू की, मेरा कोई हाथ नहीं है इनके कैरियर में। तो दोस्तों, ये हैं मेरे छोटे भ्राता तर्पण श्रीवास्तव। मैं दर्पण श्रीवास्तव, ये तर्पण श्रीवास्तव। और मैं आपको एक बात बता दूं, इन्होंने अपनी जर्नी खुद यहाँ तक लेके आए हैं। जो भी इन्होंने किया है वो खुद अपनी मेहनत से किया है। आज फिल्म्स कर रहे हैं, इनकी फिल्म्स रिलीज पे है। कौन सी फिल्म है सर? सोनू के टीटू की स्वीटी। सोनू 9 फरवरी को रिलीज हो रही है, जरूर देखिएगा। और ये उस फिल्म के आर्ट डायरेक्टर हैं। अब इनसे पूछते हैं कि एक आर्ट डायरेक्टर का काम क्या होता है, बेसिकली आर्ट डायरेक्टर किसे कहते हैं, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ। सी, इट्स बेसिकली स्पेस क्रिएशन। हिंदी में बात करें, हमारे बच्चे हिंदी में बात करना पसंद करते हैं। जो भी फिल्म में देखते हैं, जो भी आप फिल्म का एम्बियंस देखते हैं, माहौल देखते हैं, जिस भी माहौल में एक हीरो और हीरोइन शूटिंग कर रहे हैं या जो आप सीन देख रहे हैं, उस माहौल को बनाना एक आर्ट डायरेक्टर का काम है। तो अगर बहुत सारी दिक्कतें होती हैं कि बजट्स के इश्यूज हैं, कि एक प्रोडक्शन शायद, जैसा कि आपने भी बोला, कि शिमला जाके शूट नहीं कर सकता और पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, सहूलियतें नहीं है कि शिमला चला जाया जाए, क्योंकि शूटिंग करने के लिए, एक फिल्म बनाने के लिए, एक सीन शूट करने के लिए 150-200 लोगों का स्टाफ लगता है। उन लोगों को लेके जाना, वहाँ रहना, खाना पीना और शूट करना, तो इट्स अ टास्क, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। तो उसका बेहतर तरीका ये है कि एक यहीं पर, एक बम्बई में एक स्टूडियो लिया जाए और शिमला बना दिया जाए। तो शिमला बना देते हैं। तो हम शिमला बम्बई में एक स्टूडियो में बना देते हैं। महान लोग। तो मतलब आर्ट डायरेक्टर जो भी एम्बियंस है, जो भी है, वो चीज़ें क्रिएट करते हैं आप लोग। जी जी। तो यार ये तो बहुत बड़ा काम हो गया भाई। इंटरेस्टिंग है, बड़ा तो नहीं पर इंटरेस्टिंग है। और सोच एक की होती है और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी सहूलियतें होती हैं। मेरी फील्ड में भी बहुत सारे लोग हैं, कारपेंटर्स हैं, पेंटर्स हैं, थर्मोकोल आर्टिस्ट हैं, मेसन्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सब मिलकर ये कोई भी सेट, कोई भी सिचुएशन, कोई भी माहौल, जिसे मैं बोल रहा था, वो बनाते हैं। इट्स बेसिकली स्पेस क्रिएशन। यानी कि जो फिल्मी फिल्मोनिया परिवार में कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आर्ट को समझते होंगे, बिल्कुल, कारपेंटर भी हो सकते हैं या कुछ भी उनके पास आर्ट होगा, तो वो आपके काम आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई साहब, नोट कर लो ये बात, काम आ सकते हैं। अच्छा, कोई फिल्मी फिल्मोनिया परिवार से कोई बच्चा अगर आपको लगता है कि टैलेंटेड है और वो आपकी आपके साथ जुड़ सकता है, तो क्या वो आप उसको अलाउ करेंगे? हाँ बिल्कुल। आप अगर किसी भी आर्ट बैकग्राउंड से हैं, और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप किसी आर्ट इंस्टीट्यूट से हैं, आपकी ड्राइंग अच्छी है, आप इलस्ट्रेशन अच्छे करते हैं, या आप मॉडलिंग अच्छी करते हैं, चाहे वो हम जो बचपन में मिट्टी के पुतले बनाते थे, चाहे आप वही क्यों ना करते हो,
आर्ट डायरेक्शन में ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और स्किल्ड लेबर जिसे हम बोलते हैं, मैं भी स्किल्ड लेबर में ही आता हूँ, स्किल्ड लेबर की बहुत कमी है। वो क्या आप विस्तार से बताएं? स्किल्ड लेबर मतलब आप किसी एक कला के गुणी हैं और आप किसी एक कला को फिल्म इंडस्ट्री में यूटिलाइज कर सकें, इस्तेमाल कर सकें। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप, हम बचपन में सब के सब हम पेपर फोल्ड करके नाव बनाते थे, तो अगर आप नाव की बहुत वैरायटीज बना सकते हैं तो आप मेरे काम आ सकते हैं। वेरी गुड। ओके, आप फिल्म इंडस्ट्री के काम आ सकते हैं, क्योंकि बात सिर्फ नाव बनाने की नहीं है, आप पेपर फोल्ड करना जानते हैं और इस बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कारपेंटर बिल्कुल, एक बहुत बेसिक कारपेंटर से लेके एक बहुत क्रिएटिव कारपेंटर तक, सबके अलग अलग लेवल्स हैं और सब तरह के लोगों की ज़रूरत पड़ती है। पेंटर बिल्कुल, अगर आप ड्राइंग्स करते हैं, आप वाटर कलर में ड्राइंग करते हो, आप आर्टिस्टिक कलर में ड्राइंग करते हो, आप चाहे ड्राइंग बुक पे ड्राइंग करते हो, बहुत ज़रूरत पड़ती है। आप फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत बेसिक लेवल पे भी बात करें कि आप एक दीवार पेंट कर सकते हैं, चाहे वो एक रंग में होती हो, चाहे वो पांच रंग में होती हो, चाहे वो सात रंग में होती हो, या आप उन्हीं सात रंगों को लेकर कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल, तो यानी आर्ट डायरेक्टर मतलब कितने, किस तरह, जैसे पेंटर हो गया, कारपेंटर हो गया, कोई ड्राइंग करना जानता है, और ये बहुत बहुत लंबी लिस्ट है मतलब हर तरह के लोग आप जुड़ सकते हैं। आज की डेट में तो ऐसा है, क्योंकि बहुत सारी टेक्निकलिटीज आ चुकी हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूट बहुत कुछ सिखा भी रहे हैं, तो पेपर पे ड्राइंग करने से लेके आप 3D मॉडलर तक अगर आप हैं, कंप्यूटर्स पे भी काम करते हैं, तो हाँ आर्ट डायरेक्शन में स्कोप है। आर्किटेक्ट्स हैं, इंटीरियर डिजाइनर हैं, आप कलर्स को समझ सकते हैं, आप एक घर सजा सकते हैं, हाँ इंडस्ट्री को आपकी ज़रूरत है। अगर कोई बच्चा मतलब पैसा नहीं है उसके पास, गरीब परिवार से है, लेकिन उसमें गुण है, उसमें कला को समझने की मतलब समझ है, अकल है, और वो इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, तो वो आर्ट डायरेक्टर बनना चाहता है, तो वो क्या करें? ओके, तो पहली चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, इसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। वापस बोल लीजिए। पैसे का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं है। ओके, दूसरी चीज़, ऐसे बहुत से मेरे खुद के असिस्टेंट रहे हैं जो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से आए हैं पर उनको कुछ नहीं आता। मतलब उन्होंने बहुत पैसा भी भरा है और अच्छी खासी फीस दी है और सालों साल मेहनत करी है उस इंस्टीट्यूट में जाके, पर बाहर आने के बाद भी जो मुझे समझ में आया कि उन्हें काम नहीं आता। उन्हें किताबी नॉलेज है, पर जब अगर उनके हाथ में कोई काम दिया जाए कि हाँ आज ये करना है, तो वो घबरा जाते हैं कि कैसे किया जाएगा। जिनकी वजह से मैं आज इंडस्ट्री में हूँ, सुकांत पानीग्रही, वो खुद एक बहुत बेसिक बैकग्राउंड से आते हैं और बिल्कुल गरीब परिवार से हैं, 100 फिल्में कर चुके हैं, फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुके हैं, और उनसे ही मैंने सीखा है और आगे भी सीखता रहूँगा, आज भी सीख रहा हूँ। तो इसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसमें हुनर की बात है, इसमें गुण की बात है, ये इनबॉर्न है। आपको कोई ड्राइंग करना सिखा नहीं सकता। करेक्ट, ड्राइंग आप खुद से करते हो। रंगों की पहचान आपको कोई सिखा नहीं सकता, आपको खुद करनी पड़ती है। चीज़ों का आइडिया कि इस जगह में कितनी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, या इस एक 100 फीट की जगह में कितने आदमी खड़े हो सकते हैं, ये आप इंच टेप लेके नाप नहीं सकते हो, ये आपको अंदाजा लगाना पड़ता है और ये गुण है, ये आप में इनबॉर्न है, ये आपको कोई सिखा नहीं तो सकता। कैसे पहुंचे यहाँ तक, कैसे पहुंचे? बहुत सिंपल है, जैसे मैंने बोला, अगर आप ड्राइंग करते हैं, आप स्पेस क्रिएशन में हैं, आप चीज़ों को अरेंज करने का तरीका जानते हैं, आप इंटीरियर डिजाइनर हैं, आपने आर्किटेक्चर पढ़ा हुआ है, आप आइए। बहुत सारे, अगर आपको एक बेसिक नॉलेज चाहिए तो इनिशियल स्टेज में आपको किसी एक आर्ट डायरेक्टर को इंटर्न के तौर पे या ट्रेनिंग के तौर पे ज्वाइन करना पड़ेगा। इंटर्न के तौर पर तो क्या मतलब, अगर फिल्मों ने परिवार से कुछ बच्चे आना चाहें तो बिल्कुल आए। इंटर्न के तौर पे देखिए, बहुत सिंपल है कि मेरी फील्ड में ऐसा है कि जो, लेट्स टॉक कमर्शियल, मतलब पैसे की अगर हम बात करें, शुरुआती दिनों में जब एक बच्चा आता है किसी गाँव से, किसी शहर से, ये समझने के लिए कि मुझे इस जगह में स्पेस बनाना है या वो अपना काम करना चाह रहा है, तो जैसा कि किसी भी और फील्ड में होता है, आप किसी सरकारी दफ्तर में जाएंगे तो भी आपको बहुत जूनियर लेवल की नौकरी मिलती है, आप मेहनत करते हैं और उसके बाद में आपको एक दर्जा मिलता है, आपको एक पोजीशन मिलती है। सेम हमारी ही इंडस्ट्री में भी है। इनिशियल स्टेज में आप आएंगे, आपको इंटर्न के तौर पर आपका भत्ता, जैसे हम बोलते हैं, खर्चा मिलेगा, तनख्वाह नहीं मिलेगी। बहुत मुश्किल है कि कोई एक आर्ट डायरेक्टर आपको तनख्वाह भी दे। मतलब अगर आपके पास कोई बच्चा आता है तो आप उसको
तनख्वाह नहीं दे सकते लेकिन उसको खर्चा दे सकते, उसका उसका जो खर्चा है, खर्चे से मेरा मतलब है वो सेट पे आएगा जाएगा, उसका आना जाना, उसका खाना पीना, उसका ध्यान रखा जाएगा और एक स्टाइपेंड भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि उसको सैलरी नहीं मिलेगी, बट एक हाँ एक भत्ते के तौर पे, खर्चे के तौर पे, बशर्ते उसमें वो गुण होना चाहिए। ओके, तो मैं सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मैं फिर आपका मेल आईडी में क्या यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल यूज कर सकते हैं, जैसा आपका है वैसे ही मेरा है, सिर्फ टी और डी का फर्क है। तो मैं आपका मेल आईडी बिल्कुल दे दूंगा और आप उनमें से अगर फिल्मी फिल्मोनिया परिवार से कोई बच्चा आपको टैलेंटेड लगे प्लीज आप उसको बिल्कुल आप लोग मेरा ईमेल आईडी आपको मिलेगा और आप जो भी करते हैं, आप ड्रॉइंग करते हैं, आप मॉडलिंग करते हैं, आप इलस्ट्रेशन, लोग कंफ्यूज हैं मॉडलिंग से मेरा मतलब है अगर आप कंप्यूटर पे कुछ काम करते हैं, 3D ड्रॉइंग करते हैं, आप सॉफ्ट इमेज यूज करते हैं या आप माया यूज़ करते हैं या आप स्केचअप यूज़ करते हैं, आपको आर्किटेक्चर की नॉलेज है, आपने आर्किटेक्चर पढ़ा है फॉर एग्जांपल, या आपने इंटीरियर डिज़ाइनिंग पढ़ा है, तो हाँ प्लीज़ अपना काम मुझे भेजिए और कहीं भी किसी भी प्रोजेक्ट में ऐसा मुझे लगा कि आपका काम वो इस्तेमाल हो सकता है या आप उस लायक हैं, ज़रूर मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा। लकड़ी के खिलौने बनाने जानते बिल्कुल बिल्कुल यहाँ तक कि एक बहुत छोटे लेवल की बात कर रहा हूँ कि जो कि सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, गोबर लीपने से लेकर रॉकेट बनाने तक सबकी जरूरत पड़ती है। यो मैन, अब बातें करते हैं कुछ आपके बारे में कि जो ये आप एज आर्ट डायरेक्टर आप काम कर रहे हैं तो आपने इससे पहले क्या काम किए हैं? मेरी बैकग्राउंड आउट एंड आउट एडवर्टाइजिंग की रही है, बहुत सालों तक एडवर्टाइजिंग में था और हमेशा से ऐसा था कि या तो मैं पेंटर बनूंगा या मैं सिंगर बनूंगा, सिंगर मैं बन नहीं पाया, पेंटिंग का शौक था और उसी वजह से शायद मैं इस इंडस्ट्री में भी आया। तो शुरुआती दिनों में तो मेरा काम भी मैं भी एज एन इंटर्न एंड एज असिस्टेंट ही ज्वाइन किया था और हर दिन नया दिन है, हर दिन कुछ सीखने मिलता है और हर दिन कोई नया एक्सपीरियंस आता है और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ा और गाइडेंस अच्छे लोगों की मिली तो यहाँ तक पहुँचा। मैंने भी साथ दिया आपका। बिल्कुल बिल्कुल शुरुआती दिन मैं भी था जुड़ा हुआ, ऐसा मत बोलना आप। बिल्कुल, मैंने अपनी लाइफ की पहली शूट इनके साथ ही देखी थी, ये एक फिल्म कर रहे थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरी ललकार। हाँ, तो 1986-87 की बात है, मेरी ललकार पिक्चर थी और मैं वो शूट देखने गया था, वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था किसी सेट का। अपने डिशुम भी डिशुम मैं एज एसोसिएट था, एसोसिएट आर्ट डायरेक्टर था। ओके, अच्छा एक्सपीरियंस रहा, रोहित धवन डायरेक्टर थे और बहुत बिलीव करते हैं अपने आर्ट टीम में, बहुत ओपन हैं सजेशंस के लिए, ऑप्शंस के लिए और बहुत सपोर्ट करते हैं। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग फैमिली, वेरी इंटरेस्टिंग पीपल, फैंटास्टिक। ऐड किए हैं आपने वो एडवर्टाइजिंग एक बहुत अलग स्पेस है क्योंकि ऐसा एक मानना है कि एडवर्टाइजिंग में पैसा ज़्यादा है क्योंकि ये बहुत इंस्टेंट पैसा है, इंस्टेंट इन सेंस फिल्म जब आप करते हैं एक फिल्म में बिलिंग के ऊपर काम होता है। आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 जनवरी को शूटिंग की है तो शूटिंग का बिल जाएगा प्रोडक्शन के पास, प्रोडक्शन ऑडिटर के पास भेजेगा, ऑडिटर उसको अप्रूव करेगा, उसके ऊपर आपके पैसे बनते हैं और वो शायद आपके पास 45 दिन में या 90 दिन में या 60 दिन में पैसा आएगा। एडवर्टाइजिंग में आज शूटिंग की कल आपको पैसा मिल जाता है एंड एडवर्टाइजिंग एज सच असिस्टेंट्स के या आर्ट के कोई रेट्स नहीं है। फिल्मों में टीवी में रेट्स हैं, आपको एक फिक्स अमाउंट मिलता है। तो आपका मतलब फेमस एड जो आपने किया हुआ एज आर्ट स्टार स्पोर्ट्स का एक एड था चेकआउट माय गेम जो काफ़ी पॉपुलर हुआ और बहुत सराहा गया जिससे मेरे करियर में मुझे बहुत फर्क पड़ा, जरूर देखिएगा अच्छा। पॉलिसी बाजार का भी कुछ? पॉलिसी बाजार के एड्स मैं कर रहा हूँ और पैसा बाजार के एड में कर रहा हूँ। ओके, जो आप देखते हैं टीवी पे एड आते हैं ना पॉलिसी बाजार, तो वो इनफैक्ट एक कृष्णा सुदेश का एक ऐड है नेटमेट्स का जो सीरीज चलती है, वो भी मेरा ही ऐड है, वो सेट हमने लगाया था। फिल्म्स कितनी की हैं आपने एज? काफ़ी टाइम हो गया, सुकांत के साथ, दादा के साथ पहली फिल्म गंगा जल थी और तब से चल ही रहा है। ओके, मतलब अभी जो मैं कर रहा हूँ जो रिलीज पे है दैट इज सोनू की T2 की स्वीटी और अच्छा एक्सपीरियंस रहा। 9 फरवरी को आ रही है, 9 फरवरी को इनकी फिल्म आ रही है जिसमें ये एज आर्ट डायरेक्टर पहली बार सबके सामने हैं। काम काफ़ी किया बट एक नाम, मतलब एक इंसान को नाम और पहचान ज़रूरी होती है। तो आप अगर अभी आजकल YouTube पे एक गाना बहुत वायरल है दिल चोरी साडा हो गया, अगर आप वो गाना देखेंगे और उसमें जो सेट देखेंगे वो पूरा DIY सेट है,
DIY मतलब डू इट योरसेल्फ, मतलब हमने जितना भी सामान उसमें यूज़ किया है वो रिसाइकल्ड सामान है, अपस्किल का सामान है, तो कहीं ना कहीं हम एनवायरनमेंट को लेके या सोसाइटी को लेके भी अवेयर रहते हैं और सबकी अपनी अपनी अप्रोच है। तो वो गाना ज़रूर देखिएगा, उसमें जियोडेसिक डोम्स यूज़ किए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए कैसा लगता है। नहीं तो मतलब आपका कहना है जो आर्ट डायरेक्टर बनना चाहता है तो मतलब वो आके पहले वो क्या सबसे पहले क्या करे? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ज़रूरत है इस बात की समझ की कि वो किस फील्ड में जाना चाहता है। आर्ट डायरेक्शन बहुत बड़ी फील्ड है, एक आर्ट डायरेक्टर सिर्फ आर्ट डायरेक्टर नहीं है, उसे बहुत सारे स्किल्ड लेबर को मैनिपुलेट करना पड़ता है, समझना पड़ता है। मोस्टली फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे एक सेट लगाना है तो मेरे लिए मटेरियल्स को समझना बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मैं किस तरह की लेबर को इन्वॉल्व करूँगा और मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहली चीज़ शायद मैं एक पेपर पर ड्राइंग करूँगा, पेपर पर ड्राइंग करने के बाद में उसको हम कंप्यूटर पर काम करते हैं साइजेस के लिए, मेजरमेंट्स के लिए, जिसमें डायरेक्टर की इन्वॉल्वमेंट होती है कि उन्हें उनकी सीन के हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट है। एंड मैं सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर, मैं आप मेरी बात समझ पाया, अगर मान लो कोई कारपेंटर ही है जी, वो इस अब वो उसको आर्ट डायरेक्शन में आना है, उसको आर्ट डायरेक्टर बनना है, अब फिलहाल वो काम करना चाहता है, तो क्या मतलब इंस्टीट्यूट में जाए वो किस? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, वो फिल्म इंडस्ट्री में आके, फिल्मों में आके या बम्बई आके किसी अच्छे मिस्त्री से, मिस्त्री वो आदमी है जो किसी भी सेट का स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। वो कैसे पता चलेगा बच्चे को? हाँ, तो एसोसिएशन हैं, यूनियन है, या फिर आप डायरेक्टली आर्ट डायरेक्टर को अप्रोच कर सकते हैं कि मैं कारपेंटर हूँ, मुझे आप कोई अच्छा मिस्त्री बताइए। एंड ट्रस्ट मी, जो इंडस्ट्री में सुलझे हुए अच्छे आर्ट डायरेक्टर हैं वो आउट एंड आउट सपोर्ट करते हैं। बहुत कम लोग हैं जिनको जो सपोर्ट ना करते हों, बहुत ही कम लोग हैं, बट आर्ट डायरेक्टर्स की भी एसोसिएशन है, आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ जाके उनसे पूरी डिस्ट्रीब्यूशन और पूरा डिटेलिंग ले सकते हैं, वो आपको हर एक डिपार्टमेंट हेड की लिस्ट देगी। ओके, इनका कार्ड बनता है? जी, डिपेंड करता है आप कौन सी फील्ड से हैं। अगर आप आर्ट डायरेक्शन में आ रहे हैं और आपको आर्ट डायरेक्टर ही बनना है तो हाँ, आपको पहले एक अप्रेंटिस का कार्ड बनवाना पड़ता है। कितने तक का बन जाता है? हाँ, तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल है। तरीका ये है कि आप इनिशियल स्टेज में आप किसी के अंडर काम कीजिए कुछ वक्त तक, जहाँ पे आपको आपका एक स्टाइपेंड खर्चा मिलता रहे, कुछ पैसा जोड़िए और उसके बाद आप कार्ड अप्लाई कीजिए। बहुत सारी एसोसिएशंस हैं, बट जो यूनियन का कार्ड है वो तकरीबन 50,000 का कार्ड। 50,000 का जी। ओके, और अगर कोई बेचारा, अगर कोई ऐसा है जो काम गरीब इंसान है, जो पैसा नहीं दे सकता है, जैसे मैंने कहा आर्ट डायरेक्टर्स ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं मेरी बात करता हूँ कि अगर मेरे पास कोई अच्छा कारपेंटर आया जो गुणी है, शायद उसके लिए मैं यूनियन को बोलूँगा कि हाँ ये अच्छा इंसान है, ये मेहनती है, ये बहुत गुणी आदमी है, मेरे रेफरेंस के ऊपर या मेरे सीनियर्स के रेफरेंस के ऊपर उसको रिबेट मिलेगा और उसको वक्त मिलेगा, ये पैसा एक बार भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसको सहूलियत 100 रुपये महीने की है, 500 रुपये महीने की है, तो 500 रुपये महीने पे कार्ड बनवा सकता है। मतलब कार्ड ऐसे बन सकता है? जी बिल्कुल। okay. बिल्कुल, आपको एक बार में पूरा पैसा भरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बहुत बढ़िया रहा। तो दोस्तों ये थे तर्पण श्रीवास्तव, मुझे खुशी होती है कि मेरा मतलब हम दो भाई एक एक्टर बन गया और एक आर्ट डायरेक्टर बन गया, तो कितनी खुशी वाली बात है, आप समझो इस बात को। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनकी बातें आप समझे होंगे, आपको कुछ ना कुछ ज्ञान ज़रूर मिला होगा। और फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे पे, किसी नए सोच के साथ, तब तक के लिए। और हाँ, वो आप बोल के इस बारे सब्सक्राइब करो, क्या बोलते? हाँ ज़रूर, अगर आपको ये बातें समझ आई, इंटरेस्टिंग लगी और आपको लगता है कि मेरी या इनकी इंटरेक्शन आपको भविष्य में काम आएगी, तो ज़रूर लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें फिल्मी फिल्मोनिया को, और ये बातें जितनी ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ फैला सकें, कहना चाहें, शेयर करना चाहें, ज़रूर करें। चलो, थैंक यू, लव यू।